हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा और आपका स्वागत है माय कॉमर्स इन्फो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2017 का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने 1 to 30 क्वेश्चन बताए थे, ये उसके आगे के क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन क्वेश्चन के बारे में। The ideal और quick ratio is first है हमारा 2:1, second 1:1, 4:1 and 1:3। 32 question है हमारा, which of the following is not an objective of ratio analysis? The first option है useful in control, useful in financial position analysis, useful in comparative analysis and useful in management of cash। अब हम बात करते हैं next question की। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, तो किस नेचर का होता है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल अकाउंट या नन ऑफ दीज। फिर है ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम, कैसा होता है वो, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। 36th क्वेश्चन है हमारा, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम इज गवर्न बाय, तो किससे गवर्न होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, हायर परचेज अकाउंट या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द पेमेंट ऑफ गुड्स इज मेड थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट या पीरियडिक इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट है, अंडर हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर रिटर्नेबल, नॉन रिटर्नेबल, डिस्पोजेबल या नन ऑफ दीज। इन हायर परचेज सिस्टम ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द हायरर ऑन, फर्स्ट है हमारा इनिशियल पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मंथली पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, एनुअल पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन द हायर एंड हायर वेंडर इज दैट ऑफ बेलर एंड बेली, बायर एंड सेलर, डेटर एंड क्रेडिटर या एजेंट और प्रिंसिपल। नेक्स्ट, हायर परचेस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1932, 1948, 1956 या 1972। नेक्स्ट है, रॉयल्टी व्हेन पेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्ट है हमारा एट द एंड ऑफ ईच मंथ, फिर है एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स या एट द एंड ऑफ द ईयर। 49th क्वेश्चन की बात करें तो ये है, लैंडलॉर्ड अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल एंड सेविंग अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट होता है हमारा रियल, नॉमिनल, सेविंग या करेंट, जो भी आंसर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या नन। नेक्स्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर्स इन, तो परसेंटेज क्या है, 5%, 6%, 10% या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल परचेज ऑफ गुड्स या ऑल परचेज ऑफ असेट्स या फिर ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या ऑल कैश परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, पेएबल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। प्रीपेड रेंट इज शोन एज, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करंट असेट, सेकेंड करंट लाइबिलिटी, फिक्स असेट्स एंड नन ऑफ दीज। अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, इसको आप बताना है इंक्रीजिंग एवरी ईयर, डिक्रीजिंग एवरी ईयर, रिवैल्यूड एवरी ईयर या फिर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस असेट्स वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन ऑफ असेट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट या फिर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट। 58th है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग डील्स विद द आइटम मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या फिर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, कैश अकाउंट इज, तो क्या है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल, पर्सनल या फिर कैपिटल। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिश्ड अकाउंट, तो पब्लिश अकाउंट नहीं है क्या, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, पीएनएल अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने 2017 का जो पेपर था उसके लिए हैं। वो पेपर इतना क्लियर नहीं था इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं
और इनके आंसर्स मैं 2 दिन बाद अपलोड करूंगी। आप कोशिश कीजिए पहले इनके आंसर्स बताने की। आप क्वेश्चन नंबर के साथ उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप इनके पिक्चर्स चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग से ले सकते हैं, मैं वहाँ पे उनको अपलोड कर दूंगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टा आईडी या फिर मेरे फेसबुक अकाउंट से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कोई रिक्वेस्ट हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पहले की मैंने जो भी अपलोड किए थे पेपर्स, उनको अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पेपर्स को भी दे दूंगी, आप उनको भी सॉल्व कर लीजिए। वो पेपर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को पास करने में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।